वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान टीम में हुई तेज गेंदबाज की वापसी। अब ये तेज गेंदबाज वर्ल्ड कप में दिखाएगा अपना दबदबा। इस तेज गेंदबाज की रफ्तार से डरते हैं दुनिया के सभी बल्लेबाज और विराट कोहली भी मानते हैं इस तेज गेंदबाज को दुनिया का नंबर वन तेज गेंदबाज। जी हां दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा है जिसमें पाकिस्तान टीम की गेंदबाजी काफी लो दर्जे की रही है। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मैच खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान टीम ने 284 का लक्ष्य अफगानिस्तान की टीम को दिया। अफगानिस्तान की टीम ने दूसरी पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 286 रन बनाकर पाकिस्तान टीम को 8 विकेटों से करारी शिकस्त दी। इस मैच के दौरान पाकिस्तान टीम की गेंदबाजी काफी निराशाजनक रही। आपको बता दें कि PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम में एक युवा तेज गेंदबाज को शामिल करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ये तेज गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह हैं। जी हां दोस्तों, नसीम शाह घुटने की चोट के कारण पाकिस्तान टीम से बाहर चल रहे थे लेकिन अब वो चोट से रिकवर हो गए हैं और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आपके मुताबिक क्या नसीम शाह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।